इस वक्त की बड़ी खबर, 27 मार्च को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मिलेगा भारत रत्न। 27 मार्च को पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी को मिलेगा भारत रत्न। और 31 मार्च को मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न। भारत रत्न का पहले ऐलान हो चुका था, लेकिन तारीखों के ऊपर संशय बना हुआ था। अब तारीखें भी साफ हो गई हैं। पुन प्रसून वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जी प्रसून जी, यही हुआ है कि 27 तारीख को जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में है और उनकी तबीयत चूंकि खराब है, इसलिए राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए उनको उनके घर जाएंगे। इसीलिए ये दो अलग अलग तारीखें रखी गई हैं, जिसमें महामाना मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित, उनके परिजनों को जो दिया जाएगा वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में, वो 31 तारीख को दिया जाएगा। और 27 तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति उनके निवास पर जाएंगे। जी एक और चीज है प्रसून जी, जो कि यहाँ पर बड़ी देखने योग्य होगी, पब्लिक लाइफ से वाजपेयी जी काफी समय से दूर हैं, स्वास्थ्य उनका खराब रहता है। आपकी उनसे, हालांकि आपकी शायद मुलाकात भी हुई थी कुछ समय पहले, लेकिन इस उपलक्ष पर क्या ये संभव हो पाएगा कि लोग देखें वाजपेयी जी को, कि उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, ये सारी तस्वीरें भी शायद बाहर निकल कर आए? कहना मुश्किल है, वैसे तो ये नहीं के बराबर की स्थिति है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसमें ये शायद संभव हो सकता है जिस समय सम्मानित किया जाए और वो उनके निवास पर जाए, जो एक तरीका नया निकाला गया है, चाहे वो ट्वीट के जरिए आ जाए या फिर ये कहिए कि एक फोटो के तौर पे आ जाए, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी जिसकी परिकल्पना आज के दौर में हम लोग करते हैं कि शायद लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो, कैमरे की मौजूदगी हो वहां पर, इस तरह की कोई स्थिति मौजूद नहीं होगी और उनके निवास पर जाके राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। तो ये एक अच्छा मौका जरूर नजर आएगा जिस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निवास पर राष्ट्रपति जाएंगे और वहां पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जी और एक और बड़ी अच्छी बात यहाँ पर है कि अगर बात वाजपेयी जी की जाए, तो जब भारत रत्न की घोषणा हुई थी तो अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी ने यही कहा था कि एक बहुत अच्छा फैसला है। यकीनन देखिए, भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत कम राजनेता रहे हैं जो कि सार्वजनिक और हर समूह में लोकप्रिय रहे। अटल बिहारी वाजपेयी हर रूप में कहीं ना कहीं मान्य रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, भारतीय राजनीति की संसदीय व्यवस्था जब अपनाई गई तब से अटल बिहारी वाजपेयी सार्वजनिक जीवन में है और भारतीय राजनीति से जुड़े रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक लंबा वक्त भारतीय राजनीति में एक ऐसे शख्स की मौजूदगी रही है जो सामान्य तौर पर रहती नहीं है, और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी को जिस वक्त ऐलान किया गया कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, उस समय उस पीरियड को निशांत अगर याद कीजिए तो कई सवाल उठे थे कि नेहरू ने खुद को दे दिया, इंदिरा गांधी ने खुद को दे दिया, राजीव गांधी को भी मिल गया, तो क्या उस पूरे कतार में, पॉलिटिशियंस की कतार में अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों छोड़ा जा रहा है? इसलिए ये सवाल बार बार उठे थे। और वाजपेयी जी को जब दिया गया तो उसमें सब तरफ से सरकार की वाहवाही हुई थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रसून जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका। लेकिन ये चीज का ऐलान हो चुका है, तारीखें साफ हो गई हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते, 27 तारीख वाजपेयी जी को और 31 तारीख मदन मोहन मालवीय जी के परिवार को भारत रत्न सौंपा जाएगा।